हैदराबाद एफसी के लिए वापसी की शुरुआती लाइनअप में अरेडाना सैंटाना ने, और इंपैक्ट दिखा उनका, और इंपैक्ट दिखा लेकिन पहले करण जाक मगोमा का। बिल्कुल पहले ही टच में लो एंड हार्ड फिनिश जिसका सामना सुब्रतो पॉल नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद दूसरे छोर पर ये पेनल्टी गवाई थी सहनाज सिंह ने। हालांकि मेरे को एक सवाल पूछना था करण, अगर ये बॉल पर होता या बॉल पर कांटेक्ट होता तो शायद पेनल्टी दी नहीं जाती, बट डेंजरस प्ले के तहत घोषणा। बिल्कुल अतीश, और ये आउट स्ट्रेच सेव देवजीत मजुमदार का बचाती हुई ईस्ट बंगाल को, पर यहां देवजीत कुछ नहीं कर पाए, इतनी बेहतरीन फ्री किक आई थी मोहम्मद यासिफ द्वारा, और हीरो टू जीरो मोमेंट जाक मगोमा का, उनकी गलती क्रॉस लिस्टिन का गोल अरेडाना का। बिल्कुल जाक मगोमा में बॉल खोते हुए ही गोल कंसीड किया, और क्या स्किल दिखाया यार लिस्टिन कोलासो ने, चार बार चिखाया यहां पर नेविल को, और जैसे एक प्लैटर पे ही तीसरा गोल होलीचरण नारजारी के लिए यहां पर कमबैक किया मगोमा ने। ईस्ट बंगाल ने बढ़त तो दिलाई थी लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आई जरूर, अजीत कुमार बीते की सीटी बजी, इतिहास रचा जाक मगोमा ने, 26वें मिनट में मारा ईस्ट बंगाल के इतिहास का पहला गोल। फिर अरेडाना ने पेनल्टी जरूर मिस की पर वापसी दिलाई, और फिर उसी मिनट के अंदर अंदर 2-1 की बढ़त हासिल की। उसके बाद हरिचरण नर्जरी को मिला तोहफा लिस्टिन कोलासो के उस बेहतरीन कला के जरिए, और जाक मगोमा ने उम्मीद की किरण जगाई जरूर, पर ईस्ट बंगाल यही सोच रहे होंगे एक बार फिर से हम कितने करीब आए लेकिन इतने दूर।